प्रथम तहलका न्यूज। सोनीपत नगर निगम में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। बता दें कि नगर निगम के एक अधिकारी पर रिश्वत मांगने के संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि अवैध निर्माण को नहीं गिराने की एवज में आरोपी अधिकारी ने तकरीबन 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने इससे जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें कि साफ साफ सुनाई देगा कि एक एजेंट टीम के साइट पर ना जाने की गारंटी दे रहा था। आइए आपको सुनाते हैं वायरल हुआ वो ऑडियो। मोनू बोल रहा था क्या? मोनू को हाँ, एक्चुअली वो मैं कहीं बाहर था तो उसको ही बोलना था। मैं मोनू भाई सिला के चक्कर में थोड़ा मन आपका चाहिए थी, डायरेक्ट हम बात करना। कोई बात नहीं साहब, सुन भाई, सुन मेरी बात। जी जी भाई, देखो मारा भी घर बस गया। ठीक बात मेरे घर में भी दीवार जल जाए, रात के में भी। हाँ ना, आपके खातर था अंडला गया मेरे यार। ये तो पता ना किसी बात बता रहे मोनू भाई थे मेरे थे। हाँ भाई थे, चलो मैं मन तो मोनू को ही गया। मैं कोई नहीं मोनू, मैं देखता हूँ करूँगा मैं बात। हाँ ना, ठीक बात मैं यहीं बैठे ना, वो आ गया था। मैं मोनू भाई मैं करूँगा बात है। अच्छा तो ऐसा था साहब, मैं बताता हूँ आपने जी। तो मेरा मैं आपको जिस तरह फोन करा ना जी साहब, और मतलब मेरे पास ही साहब जी जी जी, तो वो कहने लगे कि भाई क्या रहा आपके केस का। जी जी जी, हाँ मजी ऐसा है, मेरा केस ओके है। जी जी जी, आप ओके रहो जी बस। जी जी जी, मेरे आगे केस मुझे कोई एंट्री नहीं करेगा मैं। जी जी जी, देखो साहब यह तो सही बात है जी। आपसे मैं बिल्कुल एक खुले तरीके से जैसा मेरा मन है उस मन से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्योंकि मैं देखो सर, मेरा ऐसा मैं जो अपना होता है उसमें अपने मान व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, एक दूसरा केस होता रहा मेरे बारे में, उसके बारे में तो मैं क्या कर सकता हूँ ना। ठीक बात है जी, समझ रहे हो ना जी। हम्म, बाकी सब अपने कर्मा का ले जाए जी, मैं है करूंगा वो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो ऐसा है सुनो भाई, टाइम निकाल के। जी सर, जी सर, मेरा नंबर है आपके पास? जी जी, आप मेरे को डायरेक्ट फोन करना, जहाँ आपको होगे मैं वहाँ आपको मिलूंगा। ये यार वो मोनू बड़ा बीच में है, वो अपने चक्कर में लगा है। हाँ हाँ, तू इस चक्कर में पड़ो भाई। ठीक है जी, ठीक है, काम अपना करना, हरमन ना करना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कल मिलते हैं सर फिर। मैं कल सुबह आपके पास, ठीक है जी। फोन करके मेरे को ना थोड़ा टाइम दे देना, क्योंकि हो सकता है कहीं बाहर हो, उस टाइम पे सेट करके दोनों इकट्ठे मिल लेंगे फिर। आप एक काम करना ना, आप उसको बोल देना सचिन जी को, क्या नाम उनका, प्रवेश जी को, उसको बोल दूंगा, थोड़ा बैठ जाएंगे ना, अपनी कॉल बंद हो गया ना, वापसी हो जाएगा सोनू भाई। ठीक है सर, ठीक है कल मिलता हूँ फिर आपसे। मैं कह दूंगा ना, लेवो से इतना लंदर है। हाँ ठीक है, मेरे लिए भी रखे रहे। ठीक है जी प्रदीप जी, जब कहोगे ना कल मिलते, कल आप बताओ, मैं उसी माँ आ जाता हूँ, टाइम बता दो एक बार। किस्तनपुरी में यार काम का, मैं फोन कर दूंगा आपके पास। चलो ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक ठीक है। ये तो था 3 मिनट का वो ऑडियो जिसमें आपने रिश्वत मांगने की बात सुनी। इसी मामले से जुड़ा 2 मिनट का एक और ऑडियो क्लिप है, जिसमें की पैसों के लेन देन की बात को सुनी जा सकती है। हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, फिर जी बात तो हुई थी उससे। हाँ, कुकर काम चल लगा, ये एक चीज चलेगा कम लेगा वो लेगा भैया, वो तो चलो मैं करवाऊंगा, पर उससे ना एक बार थोड़ा सा नुका भाई, वो रुकना नहीं चाहिए यार, वो नहीं रुकना चाहिए, उसकी थोड़ा सा डराव, थोड़ा सा मैं अभी दबाव दूंगा, मानो नहीं। अच्छा अच्छा, थोड़ा नुका भाई, पीछे तो दूंगा, पीछे की कोई गारंटी यार। एक काम भी करियो, मैं आप भी भाईचारे में बताऊं, ये बात
अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं तो मोनू गारंटी उठ लिया, मैं आपकी गारंटी उठूंगा और बताओ। ठीक है भाई साहब, तो आपने मेरे पे विश्वास रखा, माफ कर रखा है। ठीक है, फिर 1,00,000 रुपये मैं करवाइए था भैया, वो 1,00,000 से कुछ ऊपर मांग रहे थे, वही लेंगे। मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, आपका मन करे ठीक है ना, तो आपका काम होना चाहिए क्योंकि आपने मेरे पे विश्वास करके पैसे दिए थे। चलो मैं उल्टे भी चले उस चीज के लिए है मैं, ठीक है देख लियो। चलो देख ले, एक काम करियो आप, देख गारंटी पैसों की मोट लू आपके 1-1.5 लाख रुपए, कोई जितने के पैसों की बात है मैं गारंटी मोट लू, पैसों वाली कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक मैं मोनू गारंटी उठ लेगा, पर भाई गिरनी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। हाँ भाई यार, ना आ सामान उठा कर ले जाना चाहिए, उससे पहले कही इस बात के जिम्मेदार आप होंगे भाई साहब। ठीक है भाई, और मैं कहूँ उससे जो बात मोला भैया, अगर उनका कुछ उठ गया तो जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है भैया, ठीक है, बाकी है ना मोनू का होटल कह दो जितने गारंटी कहते मोनू होटल है, जिस टाइम कहोगे 5 मिनट में आपके हाथ बता के दे दूंगा। ठीक है, ठीक है दे दूँ अपने दोस्त का, जैसे कहोगे तो हो जाएगी वो बात। ठीक है, प्रथम तहलका के लिए सोनीपत से ब्यूरो रिपोर्ट।